आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन बच्चों की मौत। यूपी के जिला शाहजहांपुर के थाना कांड के अंतर्गत ग्राम शमशेरपुर नवीनपुर एवं सिकंदरपुर कला में कुल 6 बच्चों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। आज शाम मूसलाधार बारिश के समय आकाशीय बिजली गिरने से ग्राम शमशेरपुर में बकरी चरा रहे 3 बच्चे व पास में ही खेतों में काम कर रही 1 बच्ची एवं 1 बकरी एवं सिकंदरपुर कला में 1 बच्चे की मौत हो गई है। वहीं लगभग आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर जिला अस्पताल में पुलिस अधीक्षक SS चिन्नप्पा, भारत सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा राज, ददरौल क्षेत्र के विधायक मानवेंद्र सिंह एवं तमाम प्रशासनिक अधिकारी और नेता पहुंच गए। मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी दूर दराज के क्षेत्रों से आकाशीय बिजली गिरने से हुई हताहत की सूचना और भी मिल सकती है। कैसे क्या है घटना घटी बता सकते हो? कैसे क्या घटना घटी बता सकते हो? तो कितने लोग हैं मर गए? कितने जी? और ये लड़की मर गई? एक लड़की मर गई। टोटल कितने लोग हैं? कितने लोग को लोगों पर बिजली गिरी है? 3 लोग। आपके गांव में कौन सा गांव है आपका? भैया कैसे क्या बिजली गिरी है और कितने लोगों पे बिजली गिरी बता सकते हैं? घर पे ही हम घर पे थे नहीं, बाकी बच्चे लोग थे घर पे। जो मड़िया हम लेटे हुए थे घर से बाहर, एक मड़िया भाई उसमें लेटे हुए थे और बिजली गिरी तो एक हमारा भाई डूब गया, बाकी 2-3 लोग और थे वहाँ पे। हमारी भतीजी खत्म हो गई है, बकरी खत्म हो गई, एक बकरी खत्म हो गई वहीं पे थी पास ही में। ये लोग 4-5 लेटे हुए थे। आपका? अच्छा कैसे क्या बिजली गिरी बता सकते हो साहब? बिजली बारिश पड़ रही थी, बच्चे आए मंदिर के पास में पड़ी थी, वहाँ बैठ के सब लोग बादल की तड़पने की आवाज आई, ऊपर बरगद के ऊपर से गिरी, इसके ऊपर मतलब बिजली की फुंजाड़ियाँ गिरी आगे ऊपर से। बस एक बकरी वहीं पर खत्म हो गई, ये लड़की झुलस गई, एक मेरा भाई झुलस गया और गाँव के और लोग थे वो बच गए। तो ये आपकी बेटी थी जी? थाना कांट के अंतर्गत एक शमशेरपुर गांव पड़ता है, वहां आकाशीय बिजली गिरने से अभी 5 लोगों का मृत्यु हुआ है और बाकी लोगों का जो इंजर्ड है, घायल है, उनको हॉस्पिटल में तत्काल पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं। और यहां पूरा पुलिस प्रशासन और जो क्षेत्रीय विधायक थी सब लोग मौजूद हैं और ये सब लोग मिलकर इनका मदद कर रहे हैं और जो हर प्रकार का जहाँ सुविधा है चिकित्सा है और जो आप देख दिया से जो 8 लोग पे बिजली गिरी है उनमें कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए अभी तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 5 लोगों की डेथ हो गई है जी और 4 लोग हमारे एडमिट है, 5 लोग अंडर ट्रीटमेंट है जी। तो जो अंडर ट्रीटमेंट है उनको डॉक्टर साहब का कहना है कि वो सभी लोगों की स्थिति अभी नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि बिजली गिरने के कारण का पता नहीं चल पाता बॉडी के अंदर क्या जी, तो उस पर नजर रखिएगा। इसमें जो लोगों की मौत हुई उन्हें क्या सरकार मुआवजा देगी? इन लोगों सबको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल 24 घंटे के अंदर जी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और बहुत दुख भी है इससे, लेकिन दैवी आप ये हमारी जो ये परिवार है 5-7 दिन पे दैवी मार पड़ी हुई है, बच्चे चले गए हैं कुछ लोगों जिसमें पूरा सभी हम सभी दुखी हैं। 5 तो अभी उपचार चल रहा है और 5 अभी हमारे नहीं रहे और आकाशीय बिजली के कारण जिसके उसमें हम सहायता देने की बात करते हैं, हमारे अधिकारी बैठे हैं, प्रत्येक परिवारजन को हम 4 लाख रुपया दे रहे हैं और सबके साथ हम सबके सहानुभूति हैं और बहुत दुखद घटना है। ये अभी 2 घंटा पहले की बात है, जब बरसात हो रही, मैं कांट में ही था उस समय और एकदम सूचना मिली कि शमशेरपुर गांव में 5-7 बच्चे जो हैं कुछ घायल हुए, कुछ एक्सपायर हो गए हैं। जब हम लोग यहां पर आए जिला अस्पताल में तो मालूम हुआ कि 3 लोग बड़ी खास में बुरी तरीके से जख्मी हो गए और एक लड़की नबीपुर की एक्सपायर हो गई और एक बच्चा नबीपुर का जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। अच्छा इसमें क्या सरकार द्वारा कुछ इनकी सहायता मिलेगी इन लोगों को? अभी तो डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, आगे सरकार जरूर अपना काम। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।